नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। रामायण और महाभारत में कई गुरु बताए गए हैं। श्री राम ने विशिष्ट गुरु और विश्वामित्र जी से ज्ञान प्राप्त किया था और श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र खोज कर लौटाया था। आज हम इसी कथा के बारे में बात करेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम के गुरु संदीपनी थे। ऋषि संदीपनी ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, आप उसे ले आओ, यही गुरु दक्षिणा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को खोजकर वापस लाने का वचन दिया। श्री कृष्ण अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता, मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूँगा, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका पुत्र तीनों लोक में जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊँगा और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण और बलराम, ऋषि संदीपनी और गुरु माँ से आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण अपनी माया से एक धनुष को हाथ में प्राप्त करके उसकी प्रत्यंचा से टंकार करते हैं, जिसके चलते समुद्र और आसमान में भूचाल जैसा आ जाता है। फिर समुद्र के भीतर से समुद्र देव प्रकट होकर कहते हैं, जगतपति के चरणों में प्रणाम, क्या आज्ञा है प्रभु। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र देव, हमारे गुरु संदीपनी का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था, यहाँ से तुम्हारी लहरें उसे बहाकर ले गई हैं। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहाँ भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। तब समुद्र देव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर वह कहाँ पर है। समुद्र देव कहते हैं, भगवान मेरी गहराइयों में पांच जन्ने नामक का एक राक्षस रहता है, यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है क्योंकि वह प्राय तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है, पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि वह महादैत्य इस समय कहाँ है। इस पर समुद्र देव कहते हैं कि इस समय वह समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र के अंदर चले जाते हैं और बहुत ही गहरे तल में वे उस शंख को खोज लेते हैं। श्री कृष्ण उस शंख के पास जाकर कहते हैं, जागो दैत्यराज और देखो तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। जब कोई हलचल नहीं होती तो श्री कृष्ण अपने धनुष से एक अग्निबाण चलाते हैं, जिसके ताप से विचलित होकर वह दैत्य अट्ठहास करता हुआ शंख से बाहर निकलता है और एक विशाल रूप धारण कर लेता है। दोनों को देखकर वह कहता है, आज तो कोमल भोजन खाने को मिलेगा। बलराम को धनुष देकर भगवान श्री कृष्ण भी विशाल रूप धारण कर लेते हैं और फिर दोनों में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान मार खाने के बाद वह दैत्य भागने लगता है तो श्री कृष्ण भी उसके पीछे तैरते हुए जाते हैं। वह दैत्य तेजी से तैरता हुआ एक समुद्री सुरंग में घुस जाता है। फिर उन दोनों में गदा युद्ध होता है। अंत में उस राक्षस की गदा गायब हो जाती है तो श्री कृष्ण उसे अपनी गदा से खूब मारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस दैत्य के दो टुकड़े कर देते हैं। तभी वहां बलराम आते हैं और यह देखकर कहते हैं, इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं हैं, इसे हमने व्यर्थ ही मारा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यमराज की राजधानी स्यमणि चलते हैं, वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। उधर यमलोक में दरबार में बैठे यमराज जी पदचाप की ध्वनि सुनकर कहते हैं कि ये किसके पदचाप की ध्वनि है, ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती कांपने लगी है। यह सुनकर चित्रगुप्त जी कहते हैं, यमराज जी इस क्षण में तो किसी भी प्राणी के आने का कोई उल्लेख नहीं है मेरे खाते में, इसलिए प्रभु जो भी आ रहा है वह मृत्युलोक का प्राणी नहीं हो सकता। यम के द्वार पर श्री कृष्ण और बलराम पहुंच जाते हैं। द्वार पर यमदूतों का कड़ा पहरा होता है। द्वार के अंदर जाने लगते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोककर कहते हैं, तुम कौन हो, जो यमदूत तुम्हें यहाँ लाए हैं वो कहाँ हैं? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कोई यमदूत यहाँ नहीं लाया, हम स्वयं यहाँ आए हैं। द्वारपाल कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, तुम अपने इस पार्थिव शरीर के साथ यहाँ कैसे आ सकते हो, कोई प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, मरने के पश्चात ही जीवों को यहाँ लाया जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परंतु हम तो कभी मरते ही नहीं, इसलिए हमें ऐसे ही यहाँ आना पड़ा, अब आ गए हैं तो हमें अंदर जाने दो। यह सुनकर द्वारपाल कहता है, केवल मरने के बाद ही यमराज के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण दोबारा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि मरने के बाद ही दर्शन होते हैं तो भैया हमें मार ही डालो। यह सुनकर द्वारपाल कहता है कि किसी भी प्राणी का जब तक समय नहीं आ जाता उससे पहले तो यमदूत भी उसे नहीं मार सकते। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप एक काम करो, आप यमराज जी से कहो कि वे ही बाहर आ जाएं, क्योंकि हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। द्वार पर खड़े सैनिक सब हंसने लगते हैं। श्री कृष्ण अपना शंख निकालकर बजाते हैं और उस शंख की ध्वनि से यम की धरती हिलने लगती है। द्वारपाल सहित सारे सैनिक खुद को संभालने लगते हैं। यम का सिंहासन भी हिलने लगता है। तभी वह द्वारपाल आकर यमराज से कहता है, क्षमा करे प्रभु, तरुण अवस्था के दो उद्दंड बालक जाने किस प्रकार अपने पार्थिव शरीर के साथ ही यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं, वो हट कर रहे हैं कि आप स्वयं चलकर उन्हें दर्शन दें। यह सुनकर यमराज जी के हाथ में यम दंड प्रकट हो जाता है, जिसे वे यमपुरी के द्वार पर खड़े दोनों बालकों की ओर फेंक देते हैं। यम दंड शंख बजा रहे प्रभु को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और पुनः लौट जाता है। यह सब देखकर यमराज सिंहासन सहित द्वार पर पहुंच जाते हैं। यमराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण शंख बजाने से विराम लगा देते हैं। यमराज को भगवान श्री कृष्ण में भगवान विष्णु नजर आते हैं और बलराम में शेषनाग जी। यह दृश्य देखकर यमराज जी घुटनों के बल खड़े होकर कहते हैं, हे त्रिलोकपति, अपने दास की भूल को क्षमा कीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम महामुनि संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो जिस लोक में जहाँ भी हो उसे हमें वापस लाकर दे दो, यही हमारी आज्ञा है। यह सुनकर यमराज जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के रूप में ही आते हैं, मैं उसे उसी रूप में वापस कर सकता हूँ, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम पुनर्दत्त की आत्मा को लेकर
चले जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो सारे शिक्षक और विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। सभी द्वार से भीतर आते हुए श्री कृष्ण बलराम के बीच चल रहे पुनर्दत्त को देखकर आश्चर्य करते हैं और गुरु माता की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहता। संदीपनी ऋषि अपने पुत्र को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। गुरु माता पुनर्दत्त से पूछती हैं कि तू कहाँ चला गया था पुत्र। पुनर्दत्त कहता है, मैं समुंदर में चला गया था, फिर बेहोश हो गया और पता नहीं कहाँ चला गया। आँखों के सामने कभी अंधेरा और कभी उजाला होता था, फिर जब होश आया तो इन दोनों को देखा। ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने ही हमें तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। अपने पुत्र को वापस पाकर गुरु माता श्री कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का विछोह ना हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, गुरु माता यह आशीर्वाद मुझे फलेगा नहीं, देना है तो कुछ और आशीर्वाद दो, क्योंकि मेरे पास दो दो माएँ हैं, एक को छोड़ के दूसरी के पास जाता हूँ तो पहली से बिछो तो हो जाता है। यह सुनकर गुरु माता कहती है कि आज से अपनी पति भक्ति का सारा फल मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। तत्पश्चात संदीपनी ऋषि कहते हैं, हम दोनों पर तुमने जो महान उपकार किया है इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज तक मैंने जो अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की सेवा की है उसका सारा फल तुम्हें प्रदान हो, और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया हो तो उसका सारा दंड मुझे मिल जाए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों, इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र को पुनः जीवित किया। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।